कैसे हैं करंट अफेयर्स टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज में ये दूसरी वीडियो जिसमें हम लगभग करीब 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोग 46 क्वेश्चन के आसपास तक पहुंचे थे, जो उसमें से नॉन इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन थे उसे हटा दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक इसको देखिएगा। कई इसमें 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं, ये जो आज हम 55-56 क्वेश्चन करेंगे इसमें से 5-7 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पोटेंशियली पेपर में जरूर आएंगे गारंटी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। 46th क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं 47th क्वेश्चन से। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने मसाला बॉन्ड को लॉन्च कर दिया है, है ना। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लिस्ट मसाला बॉन्ड इन इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मसाला बॉन्ड को लॉन्च करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? केरला। कौन सा है? केरला। कमोडिटी सेक्टर में बेसिकली इसको ये होता है, मसाला बॉन्ड लॉन्च किया गया केरला। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई परीक्षाओं में। दूसरा, वो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पास्ड लॉ क्रिमिनलाइजिंग पब्लिकेशन ऑफ फेक न्यूज एंड अलाइंग द गवर्नमेंट टू ब्लॉक एंड ऑर्डर द रिमूवल ऑफ सच कंटेंट। मतलब फेक न्यूज के ऊपर कड़ा कानून बनाने वाला वो दुनिया का कौन सा देश है जो कि फेक न्यूज़ को एक उसने एक क्रिमिनल एक्टिविटी घोषित कर दिया गया है। मतलब गलत खबर या गलत सूचना फैलाने को क्रिमिनल एक्टिविटी घोषित किया गया है। तो कौन सा देश है इनमें से? चाइना, जापान, सिंगापुर या ब्राज़ील या यूएसए? तो आंसर आएगा सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव मैरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम टू गेट ग्रीन कार्ड और फॉर द परमानेंट लीगल रेजिडेंसी। मतलब मैरिट बेस्ड सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया है ग्रीन कार्ड, मतलब वहाँ उस देश की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए किस देश का इनिशिएटिव है, मतलब ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए किस देश ने अपने कानून, नागरिकता कानून कठिन कर दिए हैं, उसे मेरिट बेस्ड बना दिया है। और इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो ये नागरिकता के कई सारे अधिनियम में बड़े बदलाव किए थे और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आंसर रहेगा यूएसए। क्या होगा? यूएसए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ब्लॉक ऑल द लैंग्वेज एडिशन ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया जो किसी विषय की जानकारी देता है किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके सभी लैंग्वेज के एडिशंस को बैन कर दिया है। मतलब विकीपीडिया को ही बैन कर दिया है किस एक देश ने। कौन सा है वो? तो चीज़ों को बैन करने में सबसे ऊपर है चाइना। चाइना ये भी बैन करके रखता है कि उनके देश में कितनी कैपिटल पनिशमेंट हुई है। चाइना अपने देश में अपने सहूलियत के हिसाब से कई धर्मों को भी दबा के रखता है, अत्याचार करता है, क्रूरता करता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर क्रूरता करता है। हांगकांग में क्या कंडीशन हो रही है आप लोग देख रहे हैं। हांगकांग बेसिकली ब्रिटेन का उपनिवेश था, जो कि ब्रिटेन जब गया तो चाइना को सौंप के चला गया। तो ब्रिटेन की जो ब्रिटेन वैसे तो एक ऑटोनमस देश है, लेकिन जब भी जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उस देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो चाइना के द्वारा चुना जाता है, तो परोक्ष रूप से वो चाइना के अंडर में है। तो देखिए वहाँ कितनी समस्याएं, कितने दिन से वहाँ आज़ादी की लड़ाई चल रही है लेकिन दुनिया वहाँ पर नहीं बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Which of the following country is the first Asian country to approve same sex marriage? मतलब सेम सेक्स में मैरिज को अप्रूव करने वाला एशिया का देश कौन सा है पहला, सेम सेक्स में, है ना, मतलब पुरुष पुरुष महिला महिला में शादी को लीगल घोषित करने वाला? हांगकांग, इंडोनेशिया या अगले ऑप्शंस हैं हमारे सिंगापुर, मलेशिया या ताइवान। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? ताइवान। क्या होगा? ताइवान। चलिए ताइवान की भी चाइना से जबरदस्त ठनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द 52वां क्वेश्चन है 52nd क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू अंडरटेक कॉम्बैट मिशन। अब देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो सी हॉक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाली पहली महिला वो दूसरी थी, और पहली कॉम्बैट फाइटर पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आरोही पंडित और अवनी चतुर्वेदी में यही डिफरेंस है। तो अवनी चतुर्वेदी के साथ आप लोग जाएंगे, पहली महिला फाइटर पायलट जो कॉम्बैट ऑपरेशन में भाग ले रही है। नेक्स्ट है ओला कैब ने किस बैंक के साथ उनकी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को यूज़ करने के साथ कोलैबोरेशन किया है? सिंपली SBI। क्लियर। जो क्वेश्चन पोटेंशियल अच्छे नहीं होंगे उसे मैं बोल दूंगा कि बेकार क्वेश्चन, मतलब नहीं पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वॉज डीकमीशनड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। मतलब हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का एक
जो वेसल है, पोत है, उसको डीकमीशन मतलब हटा दिया गया है सेवा से, वो कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन आप लोग आगे दिए हुए हैं, पांच ऑप्शन है बेसिकली, ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप रंजीत, या इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समर्थ, या ICGS सम्राट, या ICGS विग्रह, या ICGS विग्रांत। तो इसका आंसर होगा ICGS विग्रह, इसको अब सेवा से मुक्त कर दिया गया है भारतीय तटरक्षक बल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द हाइएस्ट विकेट टेकिंग वुमेन स्पिनर इन वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट, मतलब महिलाओं की ODI क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सी महिलाएं स्पिनर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? आंसर है सना मीर, आंसर है सना मीर, सी ऑप्शन है। सना मीर बेसिकली पाकिस्तान की कप्तान भी हैं और इसमें बॉलिंग में रैंक वन भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटिंग 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल गवर्नमेंट पोजिशन, मतलब किस देश ने सभी सरकारी पोजिशन पे है ना 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया है? ब्राज़ील, स्पेन, नीदरलैंड, मैक्सिको, कनाडा। आंसर होगा मैक्सिको, मैक्सिको। भारत में संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कितने समय से हो रही है, लेकिन कोई भी अभी तक नतीजा नहीं निकला, और यहाँ देखिए 50% बात बन गई। तो मैक्सिको का आंसर हो गया, डन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना ऐसे क्वेश्चन की बन जाती है कभी कभी, क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन जुड़ा हुआ होता है वो सीधे सीधे इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अचीव द 24th रिकॉर्ड समिट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंटेन, मतलब लगातार 24वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कौन इंडिविजुअल हैं? डेव हैन, कैंटल कूल, अंगरीता, या कमीरिता शेरपा, या मेलिसा एर्नोट। तो ये कमीरिता शेरपा, रीता शेरपा भी याद रखो आप, 24 बार ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे चढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में जिसकी स्थापना हुई, जो भारतीय कृषि के क्षेत्र में क्रेडिट लोन्स देता है, वो अब स्टार्टअप्स को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स है उनके लिए फंडिंग करेगा है ना, उनके लिए उसने कैपिटल इकट्ठा किया, वेंचर किया है। तो कितने करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट वेंचर उसने तैयार किया है जो उन स्टार्टअप्स को फोकस करने के लिए हेल्प करने के लिए होगा जो रूरल एग्रीकल्चर पर फोकस करने के हिसाब से बनाए गए हैं? तो आंसर होगा 500 करोड़, 500 करोड़ का, 500 करोड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसने सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया है? तो भैया विराट कोहली, भी मार देना तड़ाक से, ठीक है, विराट कोहली। क्या होगा आंसर? विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। RBI हैज मैंडेटेड ऑल द NBFCs विद अ साइज ऑफ डैश करोर टू अपॉइंट रिस्क चीफ रिस्क ऑफिसर, मतलब RBI ने बोल दिया भैया वो NBFCs जिनका कैपिटल 5,000 करोड़ से ऊपर का है उनको एक पोस्ट क्रिएट करनी होगी अपने ऑफिस, अपने सेंटर में चीफ रिस्क ऑफिसर के नाम से, ताकि पैसा आपका NPA में कन्वर्ट ना हो जाए। NBFCs क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी करती है, जैसे चोलामंडलम, मुथूट फाइनेंस, ये लोग, ठीक है। चलिए मुथूट फाइनेंस भी 1,00,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर जज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी, मतलब फिजी के नॉन रेजिडेंशियल पैनल में कौन से वो जज अपॉइंट हुए हैं इनमें से? इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट, फिजी में बहुत बड़ी आबादी भारतीयों की है। तो आंसर होगा मदन बी लोकूर, मदन बी लोकूर, ठीक है, फिजी में जज बने, बात खत्म, सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62nd क्वेश्चन, ये पेपर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संपूर्ण संभावना है। आंसर है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में है ना, डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए ससाकावा पुरस्कार दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? UN के द्वारा दिया जाता है। इसके लिए ये ससाकावा पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा कार्य करने के लिए? तो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PK मिश्रा, इनको दिया गया है जी, ठीक है, PK मिश्रा जी को दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ससाकावा पुरस्कार UN का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड एवर टू ब्रेक इन टू द 100 मिलियन ऑन कैटेगरी फॉर फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया में 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर किसके हो गए सब मिला के? विराट कोहली। चलिए आगे, विराट कोहली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल मैच रेफरी
पहली महिला मैच रेफरी आईसीसी के द्वारा जो चुनी गई हैं क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में के द्वारा, तो ये हैं जीएस लक्ष्मी। कौन है जीएस लक्ष्मी भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय भी है। तो चलिए 65वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सर आप लोगों के सामने, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज डायरेक्टेड 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज टू सबमिट एक्शन प्लान ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, मतलब 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को किस एक संस्था ने अपना मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए बोला है कि कैसे आप वेस्ट को कंट्रोल करेंगे, है ना, वेस्ट वाटर को कि प्रदूषित जल है उसको। अरे किया है एनजीटी ने, ऑर्डर दिया किसने जी? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चलिए अगले पेज पे आते हैं और 66th क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 66वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, इसमें हम लोग कंप्लीट जीएस की ओर लगातार वीडियोस देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ गया इस श्रेणी में, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इस बार का किसको दिया गया है? एक किताब है सेलेस्टियल बुक्स बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज जो ब्रह्मांड में होती हैं, ये बुक लिखी थी ज़ोरखा अलहार्थी ने, ज़ोरखा अलहार्थी, इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है। और एक होता है मैन बुकर प्राइज, सिंपल मैन बुकर, है ना, वो ब्रुकलिन, मुझे नाम देखकर कंफ्यूज हो रहा है, ब्रुकलिन कुछ करके है वो क्वेश्चन, अलग है, उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा आप लोगों को। खैर मैं सोच रहा था कि इसी जगह बता दूं, लेकिन कई सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ हौच पहुँच जाती है। मार्लिन ब्रुक्स करके नाम कुछ है शायद उनका, ठीक है, उनको मैन बुकर मिला है। मैन बुकर साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला बहुत बड़ा पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, और भाई ये पेपर में लगातार पूछा भी जाता है, लेकिन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज ये मिला है। और मैन बुकर सिर्फ अगला मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर स्टार्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड चेकमेट, कोई मतलब नहीं उस क्वेश्चन का, मतलब इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है भाई? योगेंद्र चहल। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फीमेल शूटर हैव वन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट 2019 ISSF म्यूनिक वर्ल्ड कप, मतलब ISSF इंटरनेशनल जो शूटिंग फेडरेशन है उसके द्वारा जो म्यूनिक में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में इवेंट में किसने मेडल जीता था? तो ऑप्शन है आपके आगे, रानी सरबनोथ, अपूर्वी चंदेला, हिना सिद्धू, अंजुम मौदगिल या मनु बाकर। तो आंसर आएगा अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बहुत हैं, हमारे पास टाइम कम है। याला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वन द सुद्रीमन कप? सुद्रीमन कप देखिए 1989 से जो वर्ल्ड फेडरेशन है बैडमिंटन की वो करवाती है टूर्नामेंट, और सुद्रीमन कप एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसको हाल ही में चाइना ने जीता है 2019 वाले को। किसने जीता? चाइना ने जीता है। क्लियर, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा के, भारतीय उपराष्ट्रपति हाल ही में उन्होंने एक ब्रीड, एक इंडिजीनियस, है ना, ब्रीड को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कार्य किया था, है ना। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू कॉल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग विच इंडिजीनियस कैटल ब्रीड, है ना, किस बछड़े की या कैटल ब्रीड को बचाने की उन्होंने बात की थी? तो सर आएगा ओंगोले, ओंगोले, ठीक है, डन। बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन देख नहीं रहा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी का फर्स्ट फुल फ्लेज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना, कहाँ इनॉग्रेट किया गया हाल ही में? इंडियन नेवी का एक नया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेंटर कहाँ बनाया गया है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता, कोलकाता। चलिए, बी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 का विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 2023 एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट, 2023 का एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा देश इसको आयोजित करेगा? तो ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन क्या है? चाइना। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिला के कितनी संख्या है जजों की? 31। कितनी है? 31, 31। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोगों के आगे। इगोर स्टीमैक वॉज अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेन्स सीनियर फुटबॉल टीम, भारतीय फुटबॉल टीम के, भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बनाए गए हैं जिनका नाम है इगोर स्टीमैक। पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो गया, नाम क्या भैया इनका? इगोर स्टीमैक। कहाँ के हैं ये? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये जी क्रोएशिया के। कहाँ के हैं? क्रोएशिया के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 75th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI विच स्टेट हैज 35% ऑफ कंट्रीज ग्रेफाइट, मतलब भारत के कुल ग्रेफाइट उत्पादन, ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टिविटी इसके अंदर होती है, करंट फ्लो करता है, पेंसिल की लेड जो होती है वैसे वो भी ग्रेफाइट से बनी होती है। तो भारत का 35% ग्रेफाइट
किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी टू प्रमोट इट्स कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम प्रोबेबल साइबर अटैक। मतलब वो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है कंप्यूटर नेटवर्क को साइबर अटैक से बचाने के लिए? आंसर है यूएसए। क्या है? यूएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। स्कॉर्पियन क्लास, देखिए भारत में स्कॉर्पियन क्लास की कुछ पनडुब्बियाँ बनते हैं। स्कॉर्पियन क्लास जो है फ्रेंच कंस्ट्रक्शन, फ्रेंच जो सबमरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके द्वारा तैयार किया जाता है मझगांव डेक पे, और इसमें हाल ही में एक नया वेसल तैयार किया गया, नया युद्धपोत तैयार किया गया है, वो कौन सा है? INS वीरा, INS वेला, INS वागीर, INS खंडेरी या INS विराट? तो आंसर होगा INS वेला, VELA ऑप्शन। ठीक है, INS कलवरी भी न्यूक्लियर सबमरीन थी हमारी, तो न्यूक्लियर सबमरीन बेसिकली आती हैं स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स में, पनडुब्बियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। WTO की मिनिस्ट्रियल बैठक कहाँ होने वाली है, कहाँ हुई? मैंने आपको बताया था पहले भी कई करंट अफेयर्स में, न्यू दिल्ली पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79th क्वेश्चन काट दीजिए, 79th क्वेश्चन को, 79th क्वेश्चन की कोई मेरिट नहीं है। ठीक है, 80th क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये भी छोड़िए क्वेश्चन, ये अमेरिका का इतना डीप हमको क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी IBNS, अंतर्राष्ट्रीय बैंक नोट सोसाइटी, हैज़ अवार्डेड द बेस्ट बैंक नोट ऑफ 2018, 2018 का बेस्ट नोट किस देश का घोषित किया गया? कैनेडा का। किस देश का? कैनेडा का। चलो जी आगे, नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रिसीव द प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ USA। मतलब किस खिलाड़ी को USA का सबसे बड़ा सिविलियन ऑर्डर दिया गया, सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार दिया गया है, प्रेजिडेंशियल मेडल? ये देखिए टाइगर वुड्स को, गोल्फ के बहुत बड़े खिलाड़ी टाइगर वुड्स। चले जी आगे चलते हैं, 83rd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वो कौन सा देश है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एवर जीरो वेस्ट फ्लाइट। मतलब कौन से देश ने जो अपनी फ्लाइट है, बेसिकली फ्लाइट एयरवेज का नाम है क्वांटास एयरवेज, जिन्होंने जो कि अपनी ट्रैवलिंग के दौरान, अपनी फ्लाइट के दौरान कोई भी वेस्ट डेवलप नहीं करेंगे, अमूमन जो 2 घंटे में करीब 28 से 30 किलो का वेस्ट डेवलप होता है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश की गई है, तो ये किस देश की फ्लाइट है? ऑस्ट्रेलिया। किसके? ऑस्ट्रेलिया। डन। चलिए नेक्स्ट, एन ऑल वुमेन पुलिस पेट्रोल, एक पुलिस पेट्रोल पार्टी बनाई गई कम्प्लीटली महिलाओं की, जिसका नाम रखा गया रानी अब्बाका फोर्स। ठीक है, कहाँ की है, किस शहर में, किस शहर के पुलिस फोर्स में महिला पुलिस पेट्रोल विंग बनाया गया रानी अब्बाका फोर्स के नाम से? तो आंसर होगा मंगलुरु। मजा आ रहा है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, आपको जैसा फील हो रहा है प्लीज़ बताइएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रंटलाइन मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी वॉज डिकमीशनड आफ्टर सर्विंग 36 ईयर। मतलब मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी का डिकमीशन कर दिया गया, सेवा से मुक्त कर दिया गया है ना, 36 साल तक सेवा देने के बाद, कौन सा है वो? INS विराट, INS कलवरी, INS विक्रम, INS रंजीत या INS विराट? तो आंसर है INS रंजीत। चलिए 86वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और 86वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट विल वियर ऑन 20 रुपीज बैंक नोट अनाउंस बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, RBI का जो नया 20 रुपये का नया नोट आ रहा है उस पर किस प्रतिष्ठित जगह का चित्र होगा? तो ऑप्शन है एलिफेंटा, जंतर मंतर, भीमबेटका, एलोरा या गेटवे ऑफ इंडिया? तो आंसर है एलोरा केव्स, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के आगे, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज अपॉइंटेड, मतलब पहले विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ MCC क्लब। मतलब मैरीबोन क्रिकेट क्लब MCC का पहला नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? MCC का पहला नॉन ब्रिटिश, ब्रिटिश के अलावा पहली बार कोई दूसरे व्यक्ति को बनाया गया, दूसरे नेशन के व्यक्ति को बनाया गया। ऑप्शन है कुंबले, पॉन्टिंग, कुमार संगकारा, सचिन तेंदुलकर, महिला जयवर्धने। खतरनाक क्वेश्चन है, कुमार संगकारा के साथ जाएंगे हम लोग, कुमार संगकारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय डायरेक्टरेट जनरल कमर्शियल इंटेलिजेंस विच कंट्री हैज़ बिकम द इंडियाज टॉप क्रूड सप्लायर। भाई इंपॉर्टेंट है, मतलब भारत कच्चा तेल सर्वाधिक किससे लेता है? आंसर आएगा इराक। भारत किससे लेता है? इराक।
इराक, सऊदी, फिर ईरान था, लेकिन ईरान से और कम कर दिया हम लोगों ने अमेरिका के प्रेशर में। इराक सबसे ऊपर है जी, अमेरिका जिससे बोलता है उसे लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजहर महमूद, जिसको हाल ही में सुरक्षा परिषद ने, है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैन किया है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, उसका आतंकी संगठन का नाम क्या है? सबको पता होगा इंडियन को, जैश ए मोहम्मद। क्या है? जैश ए मोहम्मद। चलिए, और लश्कर तैयबा किसका है? हाफिज सईद का। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ पास एन एक्ट टू अलाउ शॉप एंड बिजनेस टू रिमेन ओपन 24 आवर्स अ डे, मतलब दिन में 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगे, किस राज्य ने घोषणा किया बिजनेस आवर्स खुले रहेंगे? गुजरात। क्या? वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात, डन। चलिए नेक्स्ट पेजेस पे चलते हैं, और 100 क्वेश्चन तक हमको देखने, तो 100 क्वेश्चन तक हम लोग बेसिकली देखेंगे। 91st क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहाँ से क्वेश्चन देखिए निकल के आ सकता है कि गेम चेंजर नाम की ये आत्मकथा किसकी है, किस खिलाड़ी की है? आंसर है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, इनके ड्रामे भी ख़त्म नहीं होते, 4 बार तो संन्यास ले चुके हैं, आत्मकथा लिखी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जापान न्यू इंपीरियल एरा, जापान के पता है कि नए राजा हो गए हैं, पुराने राजा के गुजर चुके हैं, तो उसके साथ एक नया युग शुरू किया उन लोगों ने, है ना, उसका नाम क्या दिया गया? शोवा, ताइशो, रेविया, हैसी, समितो, तो रेवा, ठीक हो गया जी, रेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एट द टॉप मिलिट्री पोजिशन इज स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2018 एज पर सीप्री। सीप्री एक संस्था है जो कि मिलिट्री रिपोर्ट्स देती है कि कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है मिलिट्री के ऊपर, तो रैंक वन पे तो भैया है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है सऊदी अरब, चौथे नंबर पे है तीसरे नंबर पे रशिया, चौथे नंबर पे सऊदी अरब, और पाँचवें पे हम लोग हैं, ठीक है। इंडिया 66 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करता है अपने डिफेंस बजट पे, अमेरिका करीब 600 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्ट करता है, तो सीप्री की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पाँचवें नंबर पे है और अमेरिका पहले नंबर पे है, उसके बाद इंपोर्ट में हथियारों की खरीद में सबसे ऊपर सऊदी अरब है और इंडिया दूसरे नंबर पे, ध्यान, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर आप लोग आगे, 94th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेस्लर हैज बिकम द फर्स्ट टू फाइट एट न्यूयॉर्क आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर, न्यूयॉर्क का जो फेमस जगह है मेडिसन स्क्वायर, वहाँ पे फाइट लड़ने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन से हैं, कुश्ती जो बाज है, कौन है वो? बजरंग पुनिया, वर्ल्ड रैंक वन भी हो चुके हैं, इनको भारत रत्न भी दिया गया, तो बजरंग पुनिया पे कुछ श्योर 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 बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा, वरुणा जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास होता है, किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ, वरुण फ्रांस के साथ, इंद्र बताना होगा आपके साथ किसके साथ होता है, है ना, सूर्य किरण किसके साथ होता है, ये कई सारे हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जापान के नए राजा कौन हैं? हारुरो नारुहितो, नारुहितो बी फॉर बॉम्बे, नारुहितो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर फ्रॉम विच IIT हैव यूज्ड ए मल्टीलिंगुअल ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन स्कीम टू डेवलप ए मेथड फॉर रीडिंग डॉक्यूमेंट्स इन भारतीय लिपि, जो भारतीय लिपि बनाई गई है उसके उसमें अलग अलग भाषाओं के पत्रों को या चीज सामग्री को पढ़ने के लिए किसने ये प्रोग्राम डेवलप किया है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से, वो कौन सी IIT है, ठीक है, तो आंसर आएगा IIT मद्रास जी, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद गार्डन रीस शिप बिल्डर, ये छोड़िए इसको, कुछ नहीं है, छोड़िए इसको, ये क्वेश्चन जचा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन बॉक्सर हैज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर अर्जुन अवार्ड, मतलब किस एशियाई पदक विजेता जो बॉक्सिंग के क्षेत्र में जिन्होंने एशियन गेम्स में पदक जीता था उनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड्स देने की घोषणा की गई, तो ऑप्शन है बजरंग पुनिया, अमित पंघल, और ऑप्शन में और है विजेंद्र सिंह, मैरीकॉम, पिंकी रानी, तो आंसर रहेगा अमित पंघल, ठीक है, अमित पंघल, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेवी वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, आंसर है राकेश कुमार भदौरिया, वाइस एयर मार्शल, ठीक है, एयरफोर्स के। तो ये 100 क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 150 से लेकर 200 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।